हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी टेट स्पेशल क्लास, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमपी टेट में कारगर साबित हो सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी पर आपको मेरा प्रोफाइल अंकित शाह के नाम से मिलेगा। मेरा अनलॉक कोड है अंकित2021। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अन अकेडमी पर फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं, टेस्ट और क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अन अकेडमी पर आपको दो तरह की क्लासेस साथियों मिल जाती हैं, फ्री क्लास और प्लस क्लास। फ्री क्लास में आपको एमसीक्यू मिलते हैं, जबकि प्लस क्लास में आपको थ्योरी मिलती है। साथ में कई सारे और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप पीडीएफ कितनी भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ कई और फीचर्स भी आपको प्लस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियर सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाते हैं। हाल ही में अन अकेडमी ने अनाउंस किया है कि एक नया बैच शुरू होने वाला है एम रीड 2022 का। 2 मार्च से इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहां पर पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी रीड की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अंकित2021 ये मेरा कोड है, इस कोड का इस्तेमाल अन अकेडमी ऐप पर करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और फ्री लाइव क्लास, टेस्ट और क्विजेस को भी फ्री में एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ इस कोड को इस्तेमाल करके। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही शानदार। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर, बी 2 नवंबर, सी 10 नवंबर और डी 18 दिसंबर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय भारत प्रवासी दिवस है 9 जनवरी, ठीक है, भारत प्रवासी दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी, घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? नागफनी, एगीओल्प्स, जलकुंभी या फिर पिस्टिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एगीओल्प्स। क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 14 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर पांच पर आते हैं, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छह की ओर, भारत ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मेरा इंडिया अभियान शुरू किया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। मेरा का फुल फॉर्म है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठ पर, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काई। क्वेश्चन नंबर नौ पर आते हैं, इनमें से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है? फैक्ट्री का धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट, वाहनों का धुआं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक कारण पूछा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, किस देश में प्रदूषण नहीं है? तो जी हाँ साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम एनाबेना के बीच क्या संबंध है? सहजीवी, पारस्परिक, परजीविता या फिर आद सहयोग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य ने जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 सितंबर को राइनो दिवस मनाने का फैसला किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नासा की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश चीन के साथ वैश्विक हरियाली के लिए अग्रणी प्रयास कर रहा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी, जो अरब सागर में पड़ती है गुजरात राज्य में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, भारत को किस दशक में सभी के लिए बिजली मिल जाएगी या मिल चुकी होगी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2020। अफ्रीका किस लिए प्रसिद्ध है? सहारा रेगिस्तान, विक्टोरिया जलप्रपात, नील नदी या सभी। तो राइट ऑप्शन 16 का होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक कौन है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कतर।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत का बाघ श्रेणी पड़ोसी देश कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। 2019 में अमेजोन के जंगलों में कितनी बार आग लगी? तो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40,000 बार। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है ना कि ग्रीन हाउस गैस है। इस तरह से पर्यावरण अध्ययन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।